हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं इंडो चाइनीज स्टार्टर रेसिपी जो कि है शेजवान क्रिस्पी आलू। जिसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने 3 मीडियम साइज आलू लिए हैं जिसे मैंने फ्राइज जैसा कट करके लिया है। ये 2 टेबलस्पून नमक है और पहले हम पानी को गर्म करने के लिए रखते हैं। ये मैंने पानी को गर्म करने के लिए रखा है कढ़ाई में। पानी गर्म होने के बाद हम उसमें आलू डालेंगे। ये हमारा पानी बॉइल्ड हो चुका है जिसमें हम ये 2 टीस्पून नमक डालते हैं और इसमें मैंने ये जो आलू कट करके लिए थे ये डालेंगे। ये मीडियम साइज 3 आलू हमने लिए हैं। इसे एक बार नमक के साथ मैं अच्छे से हिला लेती हूँ और गैस का फ्लेम ऑफ करके मैंने 3 मिनट के लिए इसे मुझे ब्लांच करना है। ये हमारे आलू अभी ब्लांच हो चुके हैं। 3 मिनट हमने इसे ब्लांच करने के लिए रखा था। अब हम इसे निकाल लेते हैं स्ट्रेनर में। ये हमने स्ट्रेनर में इसे निकाल लिया, थोड़ा ठंडा होने देते। हमने जो आलू ब्लांच करके लिए है उसे कोटिंग करने के लिए हमें बैटर बनाना पड़ेगा। जिसके लिए हम ले रहे हैं ये 1/2 कप मैदा है, ये 1/2 कप बेसन है, बेसन फ्लावर, ये 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर है, ये सॉल्ट है। सॉल्ट हम कम डालेंगे क्योंकि आलू को ब्लांच करते टाइम हमने पानी में सॉल्ट डाला था, तो सॉल्ट सिर्फ जो बैटर है उसके लिए लगेगा, उतना ही डालेंगे। ये वाइट पेपर पाउडर है, एक कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर और ये 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। ये 1.5 चम्मच ऑयल है, एक टीस्पून हम शेजवान चटनी डालेंगे। अब हम ये बैटर बना लेते हैं। ये बैटर हमने बना लिया है। हमें बैटर इस कंसिस्टेंसी का चाहिए, पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। तो अब हम ये आलू जो हमने ब्लांच किए हैं ये इसमें डाल के रखते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें ये आलू डालेंगे। गैस के फ्लेम में थोड़ी बड़ी करती हूँ, बढ़ा देती हूँ और ये एट ए टाइम ज़्यादा नहीं डालने हैं क्योंकि आलू को हमें क्रिस्पी करना है। ये हमारे आलू अभी अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं, हम इन्हें निकाल लेते हैं। निकाल के इसे हम स्ट्रेनर में रख रहे हैं ताकि वो क्रिस्पी बने रहे। इस तरह से हमने सभी आलू को फ्राई कर लिया है।
ये हमने दूसरी कढ़ाई रखी है जिसमें एक टेबलस्पून ऑयल हमने डाला है, जिसमें हमें सॉस बनाना है। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है एक टीस्पून, ये ब्लैक पेपर पाउडर, ये चिली फ्लेक्स एक टीस्पून विनेगर। अब ये हम शेजवान चटनी डाल रहे हैं, इसमें 3 टीस्पून मैंने शेजवान चटनी डाली। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, पानी 2-3 टेबलस्पून ही डालना है, सिर्फ कोटिंग कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। हमारा सॉस अभी बॉइल्ड हो चुका है, गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं और उसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर उसमें ये जो हमने आलू फ्राई करके लिए है वो डालेंगे। डायरेक्ट डालें तो वो सौगे हो जाएंगे, इसलिए उसे थोड़ा ठंडा होने देना है। ये हमारा सॉस अभी ठंडा हो चुका है, इसमें हम ये क्रिस्पी आलू डालेंगे। ये देखो इसका साउंड, देखो कितना क्रिस्पी है वो उससे पता चल रहा है। ये हम इसमें ऐड करेंगे और इसे कोटिंग करेंगे अभी। साथ में ये थोड़ी धनिया पत्ती मैं डालती हूँ। ये देखिए हमारे क्रिस्पी आलू कितने अच्छे से बने हैं, ये बहुत ही करारे हैं और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं।